अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं इमरान सादिक और आप देख रहे हैं ज़ैन अली टीवी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, ये 40 इंच का हाईसेंस का एलईडी टीवी है, तो इसके बारे में हम कुछ बात करेंगे क्योंकि ये ख़राब है, इसका डिस्प्ले नहीं बन रहा। तो कुछ अजीब सी सिचुएशन है कि आज से तकरीबन कुछ दिन पहले से ये मेरे पास कुछ एक ही यानी कि एक ही प्रॉब्लम है। जितने भी मेरे पास एलईडी टीवी आए हैं, 4-5 आ चुके हैं, तो सब में एक ही फॉल्ट है, एक ही किस्म का फॉल्ट है, यानी कि ठीक है, किसी का भी डिस्प्ले नहीं बन रहा था। तो यानी कि अब साउंड है लेकिन इसकी आवाज़ पिक्चर नहीं आ रही, ठीक है। तो जब हम देखते हैं तो बैकलाइट को वोल्ट ही नहीं मिलते, ठीक है, बैकलाइट को वोल्ट ही नहीं मिल रहा। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अभी इसको पावर देने लगा हूँ, ये अब मल्टीमीटर आपके सामने है, ठीक है। तो मैं इसको सबसे पहले हम इसको इसके वोल्टेज चेक करेंगे स्टैंड बाई मोड में। सबसे पहले हम इसके स्टैंड बाई मोड में वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो जी, मैं इसको पावर देने लगा हूँ, ठीक है, ये मैंने इसको पावर दे दिया, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं स्टैंड बाई मोड में, ठीक है, ये इसके नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पे वोल्ट मिल रहे हैं 35, फिर वापस चले जाते हैं, ठीक है। जैसा कि आप मल्टीमीटर के ऊपर देख सकते हैं, वोल्ट आ रहे हैं 30-34 वोल्ट मिलते हैं, फिर बैक चले जाते हैं, 30-35 वोल्ट मिलते हैं, फिर वापस चले जाते हैं, ठीक है। तो ये अभी सेट हमारा स्टैंड बाई मोड में है, ठीक है। तो जब मैं स्टैंड बाई ओपन करता हूँ, फिर देखते हैं कितने वोल्ट मिलते हैं। ये मैं अभी इसको, ये स्टैंड बाई ओपन हो गया, आप देख सकते हैं अभी भी सेम सिचुएशन है, ठीक है। वोल्ट आते हैं बैक चले जाते हैं, वोल्ट आते हैं बैक चले जाते हैं, यानी कि इसकी बैकलाइट में भी कोई फॉल्ट नहीं है, बैकलाइट बिल्कुल ओके है, ठीक है, इसकी बैकलाइट बिल्कुल ओके है, बैकलाइट में कोई फॉल्ट नहीं है, ठीक है। फॉल्ट है तो इसके इस बोर्ड में फॉल्ट है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आपकी अभी आपको दिखाने लगा हूँ इसका फॉल्ट असल में है कहाँ पर, ठीक है। थोड़ी मैं लाइट ऑन कर, तो यहाँ पे मैंने इसको ऑफ कर दिया। तो जब हम देखते हैं तो ये कैपेसिटर लगा हुआ है 33 UF और 200 वोल्ट का, ठीक है, ये 200 वोल्ट का कैपेसिटर है। तो ये देख सकते हैं, ये कैपेसिटर इसका ख़राब है, ठीक है। अभी अब मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये आप देखें, ये कैपेसिटर इसका ये ख़राब है, एक ये कैपेसिटर इसका ख़राब है। इसके अलावा ये 35 वोल्ट का कैपेसिटर है, सम टाइम अमूमन ज़्यादातर ये 35 वोल्ट का कैपेसिटर भी ख़राब होता है, इसमें अगर बैकलाइट को वोल्ट नहीं मिल रहे तो ये 35 वोल्ट का कैपेसिटर भी ख़राब हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल ये नज़र आ रहा है सामने, ठीक है, इसका उबार आपको नज़र आ रहा है। मैं अभी आपको ये लाइट दे देता हूँ, ये देख सकते हैं, ये इसका ये ख़राब है। इसके अलावा ये 470 और 16 वोल्ट का कैपेसिटर है, ये भी ख़राब है, ठीक है। ये दो कैपेसिटर ख़राब होने की वजह से बैकलाइट को वोल्ट नहीं मिल रहा है। जब तक बैकलाइट को वोल्ट नहीं मिलेंगे, हमारी बैकलाइट ऑन नहीं होंगी, ठीक है। तो ये फॉल्ट है इसमें। तो चलो इसको रिमूव कर लेते हैं, रिमूव कर इसको देखते हैं। तो ये बोर्ड है, जैसे आप देख सकते हैं, तो ये इसका कैपेसिटर, ये 200 वोल्ट का कैपेसिटर है, ये खराब है, ठीक है। इसके अलावा एक ये इसका 16 वोल्ट का कैपेसिटर जो है, ये खराब है, ठीक है। 470 और 16 और ये 33 और 200 वोल्ट का, ठीक है। तो इनको रिमूव कर लेते हैं, रिमूव करके इसकी जगह पे नया ऐड कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ से ही कट कर लेंगे, अगर हम यहाँ से इसको काट देते हैं पिन इसकी, ये मैंने काट दिया, ठीक है, ये कैपेसिटर इसका ख़राब है। तो ये इसकी नेगेटिव पॉजिटिव, इसके अलावा इसको रिमूव करना पड़ेगा दूसरे वाले को इसको, तो इसकी भी ये नेगेटिव और पॉजिटिव देख के हम इसको ऐड कर लेते हैं। तो जी, जैसे देख सकते हैं, ये भी इसका ख़राब है, ठीक है, दो कैपेसिटर इसके ख़राब है। तो अभी मैं इसको यहाँ पे इसको, ये 33 UF और 250 वोल्ट का, ठीक है, हम इसको 250 का यहाँ पे यूज़ करेंगे। नेगेटिव और पॉजिटिव देख के हम इसको लगा लेते हैं,
सा प्रॉब्लम हो रहा है लगाने में। एक मैंने लगा दिया, अब दूसरा भी यहाँ पे ये भी ऐड कर लेते हैं। जी ये मैंने लगा दिया, ठीक है दोनों लगा दिए, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है दोनों ऐड कर दिए, ये दो कैपेसिटर हैं, ये दोनों ख़राब हैं। बोर्ड को वापस ऐड कर लेते हैं। तो जी अब मैं इसको पावर देने लगा हूँ, दोबारा से पावर दे के दोबारा से चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम स्टैंड बाई में इसके वोल्टेज चेक करेंगे कि हमें स्टैंड बाई वोल्ट मोड में कितने वोल्ट मिल रहे हैं। ठीक है ये मैंने पावर दे दिया इसको, तो अगर हम यहाँ पे चेक करें तो ये देख सकते हैं कितने वोल्ट मिल रहे हैं। अब सेट हमारा 42 वोल्ट, ठीक है सेट हमारा 42 वोल्ट दे रहा है, लेकिन बैकलाइट फिर भी इसकी ऑन नहीं हुई। ठीक है अभी भी इसकी बैकलाइट में भी फॉल्ट है, ठीक है जिसकी वजह से जैसा कि आप देख सकते हैं अभी 40 वोल्ट हो चुके मिल रहे हैं 40 वोल्ट, लेकिन बैकलाइट नहीं ऑन हो रही। ठीक है इसकी 43 वोल्ट, ये थोड़ा मल्टीमीटर में फॉल्ट है। ठीक है दोबारा 40 वोल्ट मिल रहे हैं 42, तो 42-43 वोल्ट मिल रहे हैं, लेकिन बैकलाइट फिर भी नहीं ऑन हो रही। ठीक है अभी मैं इसको स्टैंड बाई करने लगा हूँ, ये अभी स्टैंड बाई मोड में है तो वोल्ट आप देख सकते हैं नीचे आ रहे हैं। ठीक है तो इसकी बैकलाइट में भी फॉल्ट है, तो अभी बैकलाइट को रिपेयर कर लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं वोल्ट एक जगह पर रोक गए हैं, ठीक है 34 वोल्ट। ठीक है ये स्टैंड बाई मोड में है, तो स्टैंड बाई को मैंने ओपन किया तो अभी वोल्ट हमारे यहाँ पे ऊपर जा रहे हैं 42 वोल्ट। ठीक है तो मेरी बैकलाइट ऑन नहीं हो रही, तो चलो इसको अब दोबारा से हम इसको बैकलाइट का भी फॉल्ट है इसमें, बैकलाइट को भी रिपेयर करना पड़ेगा, फिर इसका दोबारा से डिस्प्ले चेक कर लेते हैं। तो जी फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी बैकलाइट ऑन हो चुकी है, वो इसमें एक इसकी लाइट भी ख़राब थी, इसके अलावा इसके ये कैपेसिटर भी दो ख़राब थे। ठीक है
ये 200 वोल्ट का है और ये 16 वोल्ट का कैपेसिटर, ये दो भी ख़राब थे। इसके अलावा इसकी बैकलाइट भी ख़राब थी, ठीक है। तो अभी मैंने इसकी ऑन कर दिया, अभी इसकी ट्यूनिंग जारी है, ठीक है। आप देख सकते हैं सेटिस्फाई कर, ओके।